सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसे आप जानते हो कि आपका पाई 5th of November को मेंस का एग्जाम शेड्यूल है, IBPS PU मेंस। और बीच में बहुत सारी IBPS ने जैसे बैक टू बैक रिजल्ट आ रहे थे, और SBI PU का कभी प्री का एडमिट कार्ड आया था, RRB PU का रिजल्ट, उसके बाद उसके इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बीच में एक मतलब कुछ जो बैक टू बैक दो तीन हमने रिप्लाई देखने को मिले हैं RTI के रिप्लाई, जिससे पता चल रहा है कि IBPS PU की वैकेंसीज कितनी अभी बढ़ चुकी हैं। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे जो इनिशियली शायद वैकेंसीज आई थी वो 3049 समथिंग थी, आई गेस, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, इतना था शायद। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 800 वैकेंसीज इंडेंट की है फिलहाल के लिए, मतलब जितना अभी तक RTI का RTI से थ्रू हमें पता चला है वो। उसके बाद शायद इंडियन बैंक ने 600 समथिंग है, 644 शायद वैकेंसीज उसने दी है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी 196 वैकेंसीज इंडेंट की हैं टोटल। और उसके बाद शायद यूको बैंक ने भी कुछ वैकेंसीज 800 समथिंग वैकेंसीज दी थी। तो लगभग अभी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं IBPS PU में इस साल, मतलब अभी के हिसाब से, तो वो 5500 के राउंड है। मतलब उससे फालतू ही होगी, शायद एक बैंक को ही रह गया आई गेस। मतलब मैंने एक बार वो गो थ्रू नहीं किया उसने लिस्ट में, लेकिन कोई एक बैंक शायद रह गया जिसकी वैकेंसीज अभी इंडेंट करना बाकी है। और अगर अभी के हिसाब से भी देखा जाए तो यार 5500 वैकेंसीज बहुत है, मतलब इतनी भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो स्टार्टिंग में जैसे 2020 में मैंने दिया था एग्जाम, 2021 में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो उस टाइम तो सिर्फ 3500 समथिंग की वैकेंसीज थी, और बढ़ के वो समवेयर 4200 हो गई थी। तो लास्ट ईयर थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में कैनरा बैंक ने उसको वापस ले लिया था। पता नहीं कैनरा ने लिया था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लिया था अपनी वैकेंसीज वापस ली, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो केओस सा हो गया था बीच में। मेंस के एग्जाम के थ्रू तब वैकेंसीज वापस ले ली थी, अदरवाइज लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज थी। तो यार जैसे 5500 वैकेंसीज अब है, तो वो कह सकते हैं हम कि अच्छी वैकेंसीज इस बार IBPS PU में है। और जिन जिन का भी यार 5 तारीख को IBPS PU मेंस है, वो अच्छे से प्रिपेयर करो। आपके पास लास्ट एक वीक रह गया है, लास्ट अभी 2 दिन रह गए, सैटरडे संडे, और उसके बाद नेक्स्ट 5 दिन रह गए आपके पास। तो अपना अच्छे से प्रिपेयर करो उनके लिए। और अब है ना यार, कुछ ज़्यादा चीज़ मत, नया चीज़ कुछ मत पढ़ो कि हाँ सोचो कि ये इस हफ्ते हम ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। जो चीज़ आपने अब तक पढ़ रखी है, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपने एक बार पढ़ रखी है, GA में जितना पढ़ रखा है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे, और फिर ऐसा ना हो कि यार आप वो क्वेश्चन आता आता भी गलत कर दो उसमें। और इंग्लिश में है कि यार अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आप देख लो आपकी मिस्टेक्स कहाँ होती है, एरर में होती है, जिन जिन भी पार्ट में आपके, जिन जिन भी जो आपके सेक्शन वीक है ना, वो चीज़ आप देख लो कि वहाँ आपको वो गलती नहीं करनी है। तो इंग्लिश में ऐसे ही, रीजनिंग में अपनी एक स्ट्रेटेजी देख लो कि यार आपके पास 60 मिनट होता है, 60 मिनट में आपको मिसलेनियस पार्ट उठाना है कि आपको पजल करना है, मतलब वो अपने हिसाब से अपना देख लो आप कैसे करना है। बाकी मैथ्स तो देखो टफ आ ही रहा है, तो मैथ्स के लिए प्रिपेयर रहो कि एग्ज़ाम टफ ही आना है, मतलब मॉडरेट पे रहेगा, इजी नहीं आएगा, ये इस बात की श्योरिटी है। और फिर उसके बाद आपका जो सेक्शन रह गया वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में आप अगर, मतलब मैं अपने उस हिसाब से बताऊं, तो आप कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ करो। मान लो कोई टेक्नोलॉजी पे कोई है, तो उसमें आप टेक्नोलॉजिकल चीज़ें या कीवर्ड्स जो होते हैं ना टेक्नोलॉजी के, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आजकल कहाँ कैसे है, तो वो वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और अपने ना टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर जो होते हैं वो मत करना, बाकी आराम से 15 तक वहाँ पे आप ले सकते हो। तो अपना अच्छे से प्रिपेयर करो, मेहनत करो, लास्ट का एक हफ्ता है, जी जान लगा दो। और 5 तारीख को आपका मेन्स अच्छा हो, उसके लिए गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। और इस वीडियो में इतना ही, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।